हैप्पी बर्थडे। तो इसमें एक छोटा सा गिफ्ट है, ओह माय गॉड, वो तुम्हें पसंद आएगा। हैप्पी बर्थडे गौरी, आज तो सुपर और सुंदर लग रही है यार। 3200 का फुल हो रहा है और 3000 और मिला देंगे, देख रस्सी ना जाएगी, क्या बोलते पसंद है। जैसे मैंने ब्लॉग ऑन किया सारा एकदम सा, ये बर्थडे गर्ल और ये कोई काम की लड़की। अभी टाइम हो रहा 12:30, अभी चल रहे गौरी के लिए गिफ्ट लेने। बंदा जीता था खुल के तेरी गली में आया। तो देने कितने, हर बार आपसे ले जाते, थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर लो, गलत तो बताएंगे, थोड़ा बहुत तो कर लो। देखो हर बार लेके जाते हैं ना, ये चेन अभी तक मेरे पास है, देखो 4-5 महीने हो गए, कितना दो बताओ, आ गए ना भाई। गौरी के लिए गिफ्ट ले लिया, अब चल रहे अपन घर, उसके बाद अभी 2 बजे शायद से चलना है, तो अभी पहुंचो घर, अभी 1 बज गया है। गिफ्ट लेके आ गए गौरी के लिए, और अभी क्या है कि मैं सुबह से कुछ खाने, सुबह खाना बना गया था बट खाया था, अभी थोड़ा सा खा लेते हैं देन फिर निकलते हैं। उन लोगों का फोन तो आ गया वैसे, यार फ्लैश जल गया दोबारा आता हूँ। तो फाइनली मैं अब ब्लिंक नहीं हो रहा, 1:32। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, जूते नहीं पहना, अभी जूते पहन लूंगा, और अभी मेरे को ले जाना है, हम जा रहे हैं पहली बार, तो ये कि कैसे जाएंगे वो आपको दिखा देंगे। फिलहाल अपने को ले चलना है घर से स्पीकर, चॉकलेट, और गौरी के लिए जो गिफ्ट खरीदा था अभी देख लिया, अभी अपने लोगों ने देख लिया होगा वो गिफ्ट, तो जूते पहनते हैं निकलते हैं। भाई मैं निकल गया परेशान, भाई ये भी आ रहे हैं, स्पीकर ले लिया है क्योंकि जो गाड़ी है ना उनके स्पीकर शायद से खराब है, तो वहीं चलते देखते स्पीकर उसमें पे चार्ज में लगाना है, देन फिर गौरी को उठाना है, फिर साना में वेट करें रोहिणी वेस्ट के पास, फिर चलेंगे। प्रशांत भाई आ चुके हैं, अभी हम चल रहे हैं गौरी को पिक करने, उसके बाद हम चलेंगे साना में हमको लेने रोहिणी वेस्ट के पास, उसके बाद बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, इजी ना। तो गौरी को बुला दिया, फोन कर दिया, वो भी आ रही है, देन फिर चलते हैं। ये बर्थडे गर्ल, ये बर्थडे गर्ल सुंदर लग रही है आज तो। गौरी हैप्पी बर्थडे, गौरी आज तो सुपर और सुंदर लग रही है यार। ओए लाल कपड़े बहुत बढ़िया लग रहा तुम्हारा आज, सच में अच्छा लग रहा है ना। अब चल रहे हम, गौरी भी आगे, अब चल रहे साना को लेने, और साना को लेने कह रहे मतलब साना मैम को पिक करने रोहिणी वेल्थ के पास कह रही है, देन फिर मिलते हैं, उसके बाद बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, अभी मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी तुम्हारी जैसे बोलते हैं ना, हम घबरा गए थे अभी एकदम से, गाड़ी बंद हो गई, फिर वो बैटरी में अभी धुलवा के लाया ना, तो बैटरी में कोई तार और कोई दिक्कत आ गई थी, तो इसकी वजह से आने में हम थोड़ा सा और लेट हो जाएंगे, हम मार्किंग स्टार्ट हो गए आ रहे। भाई ये लड़की आधे घंटे से वेट कर रही है, आधे घंटे से गाली निकलेगी, आधे घंटे से वेट कर रही है, आधे घंटे से। सुनील को क्यों, मेरी क्या गलती है, मेरे तो कोई सीन ही नहीं है, कह रहे सुनील की वजह से लेट। अरे इधर हाथ दो पहले, गंदे होती ना इसलिए, बस हो गया। दोस्तों हम चारों आ चुके हैं, ओए एक मिनट गाइस, मैं प्रशांत भैया, गौरी, सहना मैम, और अब हम कहाँ जा रहे हैं ये बता दो पहले। हम लोग जा रहे हैं मानेसर, 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 लेपर्ड ट्रेल, लेपर्ड ट्रेल, लेपर्ड ट्रेल जा रहे हैं भाई मानेसर में, मुझे नहीं पता क्या सीन है, अभी इन लोगों ने चेक किया, तो वहीं चल के देखते हैं कैसा सीन है, नजारा है। अब चला रहे थोड़ी देर म्यूजिक, मजे करते जाएंगे, तो भाई एक्साइटेड हो सब मजे करने के लिए। देख मैं एक्साइटेड पूछ रहा हूँ, सहना से पूछ रहा, सहना से क्या एक्साइटेड हो, आप ड्राइविंग कर रहे ना, थोड़ा सा उनका ध्यान वैसे रहेंगे, बट कोई नहीं, अभी चल के फुल रिव्यू देंगे आपको, क्या कैसा सीन है वहाँ पे, क्या माहौल है, सब बताएंगे आपको। ठीक है, बने रहो, मजा आने वाला है। हम पहुंचे अभी सेक्टर 8 ऑफिस के जस्ट नीचे, पेट्रोल लगा रहे गाड़ी में, और यहाँ के भैया सब जानते होंगे, बोलेंगे तो हमेशा स्कूटी पे आता है, आज गाड़ी में कैसे घूम रहा, वो भी लड़कियों के साथ देखते पहचानते नहीं पहचानते मुझे। ओ ये तो मेरी स्कूटी भाई, इतने मेरी स्कूटी में 3 बारी पेट्रोल डल जाएगा, जितना अभी तक पैसा चढ़ गया इसमें। 3200 का फुल हो रहा है और 3000 और मिला देंगे, देख रस्सी ना जाएगी, क्या बोलते पसंद भैया। चल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम। पीछे पीछे बहुत ही सीरियस टॉपिक की बात चल रही है, जिस बात का कोई मतलब नहीं बता, हम स्पीकर लाए थे गाना सुनेंगे, अब इनकी बात खत्म हो तो गाना चलाए हो गया, अब आप लोग बात खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी चलेगी, तो तू बात आई नहीं तो बीच में कोई कर रहे बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही है। जनकपुरी के आसपास हम अभी, हम रुके थे केक लेने के लिए, बट केक तो मिला नहीं, तो कोई बात नहीं, और क्या लिया, कुछ लिया ही नहीं, केक ही नहीं लेने गए थे, बट केक ही नहीं मिला, क्या गंदा हो रहा बदन।
बहुत देर भटकने के बाद हम आ चुके अपने लोकेशन पे। अबे यार ये तो वॉशरूम है, अबे ये गलत लोकेशन है यार, कहाँ आ गया मैं। यार भैया इधर लिखा हुआ है शराब पीना मना है, तो मतलब यहाँ पे पीना मना है या वैसे मना है, क्या सीन है? पीते हैं फिर भी। अच्छा सभी पीते हैं ये ना। भाई थोड़ा सा हमने ले लिया खाने के लिए, क्या लिया है? गौरी को पसंद है मोमोज, तो गौरी के लिए मोमोज लिया है। मोमोज लिया साना मैम के लिए, वो बिरयानी पैक कर रहे थोड़ा सा मतलब ऐसे कम, उसके बाद हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे खाएंगे पिएंगे मस्त मजे करेंगे। ये लोग बाहर है क्योंकि गाड़ी की चाबी इधर है। हाँ जी लो लो गाड़ी की चाबी लो, तुम्हारे नाम गाड़ी कर दी। और गाड़ी देखो गाइस, पहली बात है गाड़ी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो इसको, कहाँ के मुँह दिखाओ। और वो प्रशांत भाई को इनने गाड़ी खरीद ली भाई, बहुत बढ़िया भाई। फाइनली हम यहाँ से भी निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने फाइनल वाले लोकेशन पे, जो मैंने बताया था मैं दोबारा से भूल गया, कौन सा लोकेशन था गौरी? मानेसर। मानेसर जा रहे हैं, मानेसर कहाँ? गुड़गांव में पड़ता है ये, गुड़गांव में पड़ता है मानेसर, तो हम वही जा रहे हैं। ओके साढ़े छः बज गए अभी तक हम गाड़ी में 100 मतलब दिल्ली से निकले थे गुरुग्राम के लिए, गुरुगांव, अरे क्या है ये गुरुगांव, ठीक है जो भी हो ठीक है। बहुत सारे ट्रैफिक मिला रास्ते में बहुत ज्यादा, तो हमने फिर रास्ते में प्लान चेंज कर दिया। कहाँ जा रहे थे? दूसरा लोकेशन क्या था? जो लेपर ट्रेल था मानेसर में। नहीं दूसरा जहाँ अभी हम जा रहे हैं विक्ट्री कैफे, विक्ट्री कैफे में अभी हम जा रहे हैं, वो वाले जो पहले मैंने लोकेशन बताया था वो कैंसर बता रहे तो है। उसके बाद अभी हम कितना टाइम है, 6 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, देखो 6 मिनट दिख रहा है, 6 मिनट में पहुंच जाएंगे। 3.5 घंटे हो गए हमको गाड़ी में बैठे बैठे, बट मजा आ रहा है इधर का ना लोकेशन व्यू बहुत ही प्यारा है। अब टनल आ रही है वो दिख भाई आपको। अभी ये लोग ना हाँ वो तो छोड़ो कल अंडरपास दिखेगी नीचे यहाँ से। सीन क्या था, हाँ अभी ये लोग बहुत देर से बोल रहे थे, जैसे मैंने ब्लॉग ऑन किया सारा एकदम कोई कुछ नहीं बोल रहा, इनकी तो कथा ही खत्म नहीं हो रही। कुछ बोलना चाहोगे तुम लोग? नहीं जब से बोले जा रही बोले जा रही, अभी कह रही नहीं। ओके चलते हैं, कितना 5 मिनट और रह गया। चल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सुर रहा हूं। भाई साहब मैंने पूरा ब्लॉग देखा था भाई, दिन में आओ इधर भाई, दिन में आओ, दिन में बढ़िया से व्यू दिखता है। किस दिन में पक्का आऊंगा दिन में। ओ यार क्या मुंडी ऊपर करो, खत्म ही नहीं हो रही बिल्डिंग। पूरे 2 मिनट में पहुंचने वाला, जो मैंने बताया था ना 6 मिनट रह रहा है वो 16 मिनट हो गया, अभी तक लोकेशन नहीं आई। अब इसमें दिखा रहा 2 मिनट पे, यानी 900 मीटर में पहुंच जाएंगे, 2 मिनट पक्का पहुंच जाएंगे। बट ना मैं जब से एक्सपेक्ट कर रहा, मतलब वो सोच रहा था कि क्या बोलते हैं होटल जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, बट होटल नहीं, अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं खा पी के वापस अभी घर चले जाएंगे गुरुगांव। ठीक है यार कोई नहीं, बढ़िया गौरी का बर्थडे, गौरी पार्टी दे रही, थैंक यू गौरी इतना बढ़िया जगह पे लाने के लिए। अंदर चल के देखते हैं भाई, वो इसको गाड़ी लगा। हम पहुंच गए द बिग ट्री कैफे, अब गाड़ी कहाँ नीचे उतर के कुछ पता करना, बताओ तो पूछा नहीं कुछ, पार्किंग नहीं दे रहा, कैफे ही नहीं दिख रहा पहली बार, देख के उतरना बस। अरे कैफे उसके जस्ट बराबर में, बट हमारे लोग कहाँ गए लोग, तो गाड़ी में ही हो तुम लोग। भाई लोकेशन बढ़िया है, अभी अंदर जाके देखते हैं अंदर कैसा माहौल है, कैसा सीन है, क्या अंदर देखते क्या सीन है। अभी पानी से शुरू हुआ, अभी देखते हैं और क्या क्या आता है। अच्छा आ रहा है वर्ल्ड गर्ल, इधर तो देख लो भैया गाने चल रहे हैं इंग्लिश वाले, और इस लड़की का बर्थडे है, तो वहाँ पे जो भैया ना उनको बोल के आया भैया गाना चला दो, तो अभी वो गाना चला रहे फिर केक कट करते हैं। जब तक गाने चलने में बहुत टाइम आ रहा, हमारा केक आ चुका है अंदर, खाना भी आ चुका है, कहाँ गया देखो हमारा टेबल से पहले से दर्ज से पहले, खाना भी आ चुका हमारा। दिखाओ मैम कैमरा दिखाओ, और आप इधर आ जाओ। ठंडा ज्यादा फेस नहीं कर रहे क्योंकि धोने में बहुत दिक्कत होती है। सिनेमैटिक शॉट उधर ना, क्या दो ठंड कम लगेगी। ये सान में पैन उस
सानम क्यों नहीं आ रही फ्रेम में? अच्छा गौरी आ रही है ना, इसलिए नहीं आ रही सानम। ये बर्थडे गर्ल और ये कोई काम की लड़की मतलब बहुत काम की लड़की है, ऑफिस में बेचारी बहुत मेहनत करती है। और ये भाई ड्राइव करके आए 3.5 घंटे भाई, हैं भैया 3.5 घंटे ना। और भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक था फिर भी भाई ने एकदम सही सलामत ड्राइव किया, बहुत टाइम बाद किया लेकिन बहुत अच्छे से किया। मैं भी सीखूंगा बहुत जल्द। अभी 8:30 रात के हम इधर ही है, प्रशांत भाई पता नहीं कुछ स्पेशल कर रहे हैं बाहर, तो उन्होंने सिर्फ मेरे को बोला, हम दोनों को भी अंदर ही छोड़ दिया, देखते हैं उन्होंने क्या कर रखा है स्पेशल। अच्छा ये सब प्रबंध हुए, अच्छा इसलिए इतना टाइम लग गया, इसलिए इतना टाइम लग गया। अभी ऐसा तो नहीं है खोलेंगे, अभी खोलना है भी नहीं, इसे बताओ आप क्या करें, बताओ क्या कैमरे से बात। चलो गाड़ी चलो, अब देख के चलना, सीधा चलना है गाड़ी के पास, प्रशांत भाई सामने खड़े। गाइस हम निकल चुके हैं बाहर कैफे से, और अब एक छोटा सा सरप्राइज है गौरी के लिए, और वो क्या सरप्राइज हो सकता है? यस ओए टेडी बियर के साथ ये गौरी हैप्पी बर्थडे ओए फुल फन गाइस। अंदर का मटेरियल क्या क्या है देख रहे हो? इसीलिए भाई इतना टाइम लग रहा था जब हम बोर हो रहे थे। ओके लड़कियों में मेरी कोई दोस्त है नहीं, तुम्हें पता ही है, मैं कुछ भी गिफ्ट किसी को देता हूँ तो तुमसे पूछता हूँ क्या देना नहीं देना। तो देख मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, इसलिए मैंने कल तुमसे पूछा था, फिर भी तुमने नहीं बताया, तो इसमें एक छोटा सा गिफ्ट है वो तुम्हें पसंद आएगा। सोने की है, अब खोल के देख इसको, खोल के देख इसको, देख जल्दी क्या है। गोल्ड वोल्ड नहीं है कुछ, तुझे पता है उसी के अगले दिन मैं खरीद के ले आया था। मैंने कहा गौरी का बर्थडे आने वाला है, दिखाओ तो हमें भी क्या है। मुझे लग रहा था कि भाई गिफ्ट होगा क्योंकि मैंने बताया था। माय गॉड, क्योंकि जब सहाना मैम के लिए लेने गए थे ना तो गौरी को ये पसंद आ रहा था। है गौरी याद है तुझे? मैंने कहा चल ये बढ़िया है फिर, क्या कह रही हो? महंगा क्या बोल रही है? भाई थोड़ा सा महंगा था, और मैं सहाने में वो फोन जाता था उनका मुंह देख। अरे मजाक कर रहा हूँ, आपका वाला ना इनको गौरी को ये पसंद आ गया था, मैंने कहा चल। ओए आई लव गुड़गांव, यस आई लव ओनली। ओ भाई आई लव गुड़गांव बोल रहा है इसको, अभी इसमें बोलना नहीं था भी है, सुन लेना खड़े होगे वो तो कट कर देंगे, मैंने बैल भी नहीं लगाई है। ओके गाइस मजा आया बहुत ज्यादा, अभी हम चल रहे हैं अब घर की ओर। घर की ओर से सीन ऐसा है कि सबसे पहले अपने को फेंकना कह रहा हूँ, छोड़ना सहना मैम को, और उसके बाद मुझे छोड़ेंगे भैया, फिर गौरी को, अरे लग जाए यार, उसके बाद देखते हैं अभी क्या सीन होता है सब आपको बताएंगे। एक मिनट बेल्ट लगा लो जरा, वो नहीं देखो ना लेफ्ट है। और यार एक तो मैप, मेरे को मैप समझ नहीं आती गाइस, ठीक है मैप देख नहीं नहीं गाइस सीन ऐसा हो रहा है कि अभी जब हम जा रहे हैं सबसे पहले बवाना, यहीं से द्वार गुड़गांव से हमने मैप लगाया है बवाना का, वो साला रोड ऐसा पूरा खाली खाली सा, ये लोग कह रहे हैं नया रोड बना है, नया रास्ता, और रास्ता नहीं रास्ता। मजा आ रहा है, मतलब खाली खाली रोड देखते हैं ना, थोड़ी सी फट भी रही है क्योंकि बहुत दूर है घर से, 2.5 घंटे का रास्ता, 2 घंटे का नहीं 1.5 घंटे का रास्ता है। ये एड को आना जरूरी है, अभी मजा आ रहा है, अभी 1 घंटा और दिखा रहा है जाने में। सबसे पहले सहना मैम को छोड़ देंगे, और अभी 1.4 अरे किलोमीटर टोटल 31 1 घंटा और गाइस फिर चलेंगे घर। 11 बजे जा रही है गौरी हमें छोड़ के, बाय बाय टेक केयर। और बच गया मैं, ये कौन है, सहना मैम और वो प्रशांत भाई, हम चल रहे हैं अभी सबसे पहले सहना मैम को छोड़ने, उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद भैया मेरे को छोड़ेंगे, देन फिर मम्मी ओए छोड़ो मम्मी नहीं यार नहीं सकते मारेंगे बहुत। हाँ तो कैसा लगा आपको ये बताओ आज? यार वो ये हमारा है ना, आपका मेरा है, ये आपका, ये पचका हुआ इधर पकड़ो, नहीं तुम्हारा, ये मेरा है। हाँ
तो भाई बहुत मजा आया, कैसा लगा मैं आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे इधर देखो ना, अगर नहीं वो अगर दिखेगा तो मैं डालूंगा, इंटेंशन क्यों ले रहा हूँ। अगर लगेगा कि हम लेंगे नहीं, वो तो मेरे हाथ में ना, कट कर लूंगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में अच्छा लगा। मजा आ गया। हम कहाँ गए? गुड़गांव गए थे। गुड़गांव में कौन सा होटल गए थे? हम गए थे क्या था नाम उसका, बोले मैं कुछ था याद नहीं आ रहा हमको, तू याद लो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ब्लॉग बना रहा था। मैंने फोटो मत देखो, ऐसे ऐसे बताओ, ऐसे बताओ क्या कौन से गाने था। यार रुक जाओ, बट मुझे याद नहीं आया। द ट्री हाउस करके कुछ था, द ट्री, जल्दी बताओ। साढ़े ग्यारह बजे भाई, इनको छोड़ो साढ़े ग्यारह बजे, आराम से घर पहुंचो। ओके बाबा ना, छोड़ दे इनको, अब चल रहा अपन घर। अरे यार मैं कहाँ बैठ रहा, मैं पीछे आगे बैठने वाले को। ओके ओके बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये मैं शूट कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट डे, और वो भी रात को, इसे टाइम मतलब 10:30 बज रहा है। ओके बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा है, बहुत मजा है। एंड रोस्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। ये वीडियो लंबी और मैंने कहा थोड़ा सा इसी में बता देता हूँ, जिसको देख रहा हूँ देख लेना। मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया था, थोड़ा सा क्या 3 दिन बीमार रहा, तो फाइनली अब ठीक हो। तो अभी रोस्ट वीडियो भी आएगी, बहुत जल्द आएगी, और कंटिन्यू आएगी, कंटिन्यू मतलब बोलते ना कंटिन्यू। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।